आज हम बना रहे हैं सिर्फ एक कटोरी गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये जितना टेस्टी दिख रहा है उससे डबल टेस्टी खाने में है। बच्चे के टिफिन में आप डाल के दे सकते हैं, बहुत ही पसंद करेंगे। बच्चों से लेके बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आप सभी का स्वागत है सीजी किचन विद झरना में। यहाँ पे एक परात ली हूँ और एक कटोरी में नाप के एक कटोरी गेहूं का आटा। आप अपने घर में कोई भी कटोरी से नाप के बनाइएगा। अब स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब 3 चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। आप जो भी घर में ऑयल यूज करते हैं ना, कुकिंग ऑयल, उसको डालिएगा। तो इससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये मोयन का काम करेगा तेल। तो अब हम आटा को सभी को मिला लेते हैं, तो जो तेल डाले हैं ना उसमें अच्छे से मिल जाएगा आटा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा अलग बर्तन में डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा ही डालेंगे। देखिए मात्रा मैं दिखला रही हूँ, बस थोड़ा सा हम अलग कर देंगे। अब बाकी को हम अच्छे से आटा को गूंथ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि गीला आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आटा सॉफ्ट ही रहेगी लेकिन अच्छे से थोड़ा कड़क। यहाँ पे देखिए मैं आटा लगा चुकी हूँ, आटा सॉफ्ट है लेकिन गीला बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब जो हम आटा अलग निकाले हैं ना उसमें पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही पतला रहेगा, ये देखिए। अब इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैं आलू उबाल चुकी हूँ, 3 आलू उबला हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो सभी आलू अच्छे से मिल जाएगा। गुठली बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आलू में। यहाँ पे सभी आलू मिल चुके हैं। अब डालेंगे मसाले, तो स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ। और यहाँ पे 1/2 चम्मच के लगभग लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला। और यहाँ पे 1/2 चम्मच के लगभग लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के। अब थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अब सभी को अच्छे से मिला लेते हैं, तो आलू के साथ में ना मसाला अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मिल गया है पूरा मसाला आलू में। जो हम घोल तैयार किए हैं उसमें 2 चम्मच तिल डाल रही हूँ मैं, तो सफ़ेद तिल ही डाल रही हूँ। तिल डालने के बाद सभी को अच्छे से मिला देंगे। अब इसको रखती हूँ साइड में। अब जो आटा गूंथ के रखे हैं उसकी हम बड़ी साइज की रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं बड़ी साइज की थाली ली हूँ, तो पूरा थाली भर के मैं इसको बेल लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा थाली भर के अच्छी बड़ी साइज में बेल लिए हैं। और एकदम पतला नहीं करना है हमको और ना ही ज़्यादा मोटा। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है। तो अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पिज्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। तो पूरे सभी में मैं लगा दी हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे जो आलू का मसाला तैयार करके रखे है ना उसको पूरा पतला सा इसमें लगा देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे आलू को, बस हल्का हल्का दबाते हुए पतला सा लेयर सभी में लगा देंगे। आलू सभी में अच्छे से लग चुका है। अब इसको हम हल्का सा उठाते हुए फोल्ड कर देंगे। बस हल्का सा उठाना है और मोड़ना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है, आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको सेट कर देंगे, थोड़ा सा हम बेलन चला देंगे इसके ऊपर में, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम काट लेते हैं। एक कटोरी आटे में देखिए कितना सारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। मैं इसको दिखलाती हूँ, देखिए इसके अंदर में आलू अच्छे से भरा हुआ है। तेल भी गर्म हो चुका है। अब जो घोल तैयार किए हैं इसमें डुबाना है और बस तेल में डाल देना है। डुबाना है और तेल में डाल देना है। ऐसे ही हम सभी को तल देंगे और गैस के फ्लेम को हम मीडियम में ही रखेंगे और बस गोल्डन कलर के होते तक इसको अच्छे से हम तल लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप समोसा कचौड़ी खाना भूल जाएंगे अगर इसको एक बार बना के खाएंगे तो। ये तल चुका है, अब हम निकाल लेते हैं।
यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल के दिखला रही हूँ। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ये नाश्ता, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आया होगा ना तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और यूं ही बने रहिए। थैंक यू।